खबर है मुंबई के अंधेरी स्थित MIDC इलाके की, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसकी पत्नी और उसकी मां के सामने गाली दे दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक आरोपी और मृतक दोनों दोस्त थे और अंधेरी MIDC में एक ही एरिया में रहते थे। मृतक का नाम फिरोज खान बताया जा रहा है, जबकि आरोपी का नाम अमजद है। सूत्रों के मुताबिक घटना वाले दिन दोनों ने शराब पी थी और उसके बाद मृतक फिरोज ने आरोपी अमजद को उसके घर छोड़ने गया था। तभी दोनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। बहस के दौरान फिरोज ने अमजद को गाली दे दी। जब दोनों के बीच यह वाक्या हुआ तो कथित आरोपी की पत्नी और माँ भी मौके पर मौजूद थी, और बस इसी के चलते अमजद को फिरोज का गाली देना नागवार गुजरा। गुस्साए अमजद ने धारदार हथियार से फिरोज पर वार करके बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल फिरोज को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। MIDC पुलिस ने आरोपी अमजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि परिसर में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MIDC पुलिस हत्येमध्ये फिरोज खान याच्यावर चाकूने हल्ला झाल्याची बातमी मिळाली, त्यावेळेस आम्ही माहिती घेतली की सदरच्या कोणत्या इस्माने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला आणि अमजद इस्माईल मुजावर या इस्माने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केल्याचे समजले। दोघंही पूर्वश्रमेचे मित्र आहेत होते आणि याच्यामधील जो आरोपी आहे अमजद मुजावर याच्यावर कमीत कमी 25 ते 30 गुन्ह्यांची नोंद आहे। पोलीस सर्व रेकॉर्ड त्याच्यामध्ये बघितला असता त्याच्यावर MPD वगैरे आणि इतर प्रकारे कारवाई प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन घेण्यात आलेली आहे। सदर आरोपी सध्या पोलिसांच्या पोलीस कस्टडीमध्ये असून त्याच्याकडे अधिक माहिती प्राप्त करीत आहोत। जखमी इसम झालेला हा काही तासाने मयत झाल्यानंतर त्यानंतर पुण्याच्या कलमात वाढ करून 302-506 प्रमाणे गुन्ह्याचा तपास चालू आहे।